बाबा, ये लड़की मेरे छोटे भाई अजय की धर्मपत्नी पिंकी है। अभी कुछ दिनों पहले शादी हुई है, लेकिन बाबा जैसे ही इस लड़की ने हमारे घर में कदम रखा, घर में कोहराम मच गया और सब कुछ तबाह हो गया। बाबा, सबके सब एक के बाद एक घर छोड़कर सब लोग चले गए। मतलब बाबा, मुझे लगता है कि इस लड़की पर किसी बुरी आत्मा का साया है। पिंकी बेटे तैयार हो गई? चल, तेरे डैडी नीचे बुला रहे। असत्य, बिल्कुल असत्य। इस लड़की पर किसी भूत प्रेत का साया नहीं है। आपके मम्मी डैडी के बाहर जाने के बाद आप अपने कमरे में कपड़े बदल कर नहा कर आराम से सो रही थी कि अचानक आपने चीख सुनी, आपकी आंखें खुली और आपने नीचे देखा कि बाबूलाल खून से लथपथ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। राइट इंस्पेक्टर साहब, ऐसा भी तो हो सकता है बाबूलाल शराब पीने के बाद नशे की हालत में बालकनी से नीचे गिर गया? नहीं मिस्टर मेहता, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे तो लगता है इस पर कोई बुरी आत्मा का साया है। मैं तो इसकी हरकतों पर तब से गौर कर रहा हूँ जब ये गुम हो गई थी और मुझे और उषा को जंगल के सुनसान रास्ते पर बेहोश पड़ी मिली थी। भूत भूत भूत, जब से पिंकी ने इस घर में कदम रखा है तुमने यही रट लगा रखी है कि पिंकी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तू इसे मेरा अंधविश्वास कहे या आत्मविश्वास, मैं तांत्रिक को बुला के पिंकी को दिखा कर ही रहूंगी। ये लो, इसे ऐसे बियाबान जंगल में दफना दो जहाँ इंसान तो क्या चिड़िया भी पर न मार सके। अब आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। सच? हाँ, आइए। आंकी बेटा, पिंकी। अजय की पत्नी पिंकी में मैंने सीमा को देखा है। हम सबसे बदला लेने के लिए सीमा पिंकी में समाई हुई है उषा, जिसकी असलियत से अजय अनजान है। तुमने सिंदूर मेरी मांग में भरा और बाहों में भरा इसको, लेकिन हमने तो सीमा को मार के दफन कर दिया था, वो कैसे हो सकती है? उषा, हमने उसके शरीर को दफनाया था, उसकी आत्मा को नहीं। याद है उषा, सीमा ने मरते वक्त क्या कहा था? मैं कहर बनकर आऊंगी, कहर बनकर आऊंगी मैं। Yeah.